हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हर एक टॉपिक के साथ एक टॉपिक लेकर आया हूँ, आज हम बात करेंगे फिश फ्लेक फूड के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ्लेक फूड्स कैसा होता है और कौन सा बेस्ट है एट्रास के लिए या ट्रॉपिकल फिशेस के लिए। ज़्यादातौर पर फिशेस जो है सीटलेट्स के लिए बहुत बेस्ट होता है। आमतौर पर आप देखे होंगे एक्वेरियम के लिए फिशेस जो हैं सब लोग पैलेट्स फिट करते हैं या ब्लड वार्म ब्रेन श्रिम्स फिट करते हैं जो ड्राई होते हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह का फूड जो है बहुत बेस्ट भी होता है कंपेयर टू अदर फूड। देखिए यहाँ पर मेरे पास है फ्लेक फूड, जिसे फ्लेक्स फूड कहते हैं इसको। ये वाला फ्लेक फूड होता है जो फिशेस के लिए बहुत न्यूट्रिशन होता है और फिशेस के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि कंपेयर टू पैलेट्स जो है इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, ये हेलोपेट्स कंपनी का है। हेलोपेट्स कंपनी से बनाया गया है, बहुत अच्छा फूड है जो टेट्रास के लिए गोल्ड फिश के लिए फीड कर सकते हैं। यहाँ पर स्पिनर ऑफ फूड भी मिक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और अर्थवाम फ्लेक और ब्राइन श्रिम, ब्लैक वाम्स, इन सब का चार फार्मूला मिलाकर इस फूड को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए स्पिनर ऑफ फूड जो बहुत जो आल्गे टाइप्स का होता है बहुत बेनिफिशियल होता है फिशेस के लिए, और यहाँ पर अर्थवाम फ्लेक है और यहाँ पर ब्लैक वाम और ब्राइन श्रिम्स, इन चार को मिलाकर एक फिश इस तरह का फ्लेक्स बनाया जाता है फिशेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इस तरह के फूड जो है आप कोई भी फिशेस को फीड कर सकते हैं, स्पेशली गोल्ड फिश या एंजल फिश जो स्मॉल पैलेट्स जो बड़े मुंह के जो छोटे बड़े दाने खा नहीं सकते उसको ये खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लीन एंड क्लियर वाटर फार्मूला, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फीड किया था। ये फूड तो बहुत अच्छा है जो हेलोपेट्स कंपनी का है, बहुत अच्छा क्वालिटी फूड है, लेकिन ये पानी को बहुत जल्दी ख़राब करता है। अगर आप इस फिशेस को फिट करना चाहते हैं तो फिट कीजिए, बहुत अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी है और बहुत ट्रस्टेबल भी है, आप फिट कर सकते हैं, लेकिन पानी को जल्दी ख़राब कर देगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हो सकता है आप अगर आप अच्छा क्वालिटी फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, या हफ्ते में एक बार अगर आप 30% वाटर चेंज कर रहे हैं तो तब भी चलेगा। तो बहुत गारंटीड फार्मूला है और यहाँ पर इसका प्राइस देख सकते हैं 400 रुपीज़ 100 ग्राम का है। ट्रॉपिकल फिशेस और कोई भी फिशेस को भी ये फिट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप गोल्ड फिश को फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं भाई फिश जो है बहुत स्लो ग्रोथ है, फास्ट ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसके रीजंस क्या हैं और उसको किस तरह फास्ट ग्रोथ करे, कोई भी फिशेस हो जैसा कि एंजल फिश है, गोल्ड फिश है या शार्क्स हैं, शार्क्स को भी आप ये फिश ये फूड जो है फीड कर सकते हैं। तो आप पेलेट्स फीड कर रहे हैं तो पेलेट भी फीड कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी ऐड कर लीजिए। आप हफ्ते में एक या दो बार इस फिश को एक या दो दिन आप इसको फीड कीजिए, जिससे फिशेस जो है फास्ट ग्रोथ होगी। तो चलिए मेरे फिशेस को मैं फीड करके दिखाता हूँ। तो मैं जब अभी फीड करने जा रहा हूँ मेरे फिशेस को, तो देखते हैं ये फीड करती है या नहीं। यहाँ पर मेरी टैंक है तो मैं इसको फीड करता हूँ थोड़ा लेकर। तो फीड करने के बाद इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो स्मॉल पेलेट्स पार्टिकल की तरह भी होता है, जो आसानी से छोटी फिश है जैसा कि बेटा फिश है या गोल्ड फिश है खा जाएंगे। इसको फीड करने की कोशिश करेंगे, तो सॉरी अभी हम जो बेटा फिश है मेरे पास यहाँ पर, इनको फीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं फीड करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा फिश जो है बहुत कंज्यूम कर रही है, फीमेल बेटा बेटा दोनों। अगर आप अपनी फिशेस को फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर या आपकी फिशेस जो है स्लो ग्रोथ है या आपकी फिशेस फूड नहीं खाती है, ख़ासतौर पर शार्क, देखिए यहाँ पर तो थोड़ी दूर आकर बैठा हूँ तो शार्क उसको आसानी से खा रही है ऊपर आकर, आप शार्क को भी फिट कर सकते हैं। जब मैं करीब था तो फिशेस जो है ऊपर नहीं आ पा रही थी, अभी मैं थोड़ी दूर बैठा हूँ तो शार्क आसानी से ऊपर आकर खा रही है। शार्क्स जो है बहुत लो फिट खाती है, लेकिन आप इस तरह डालकर थोड़ी दूर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आकर खाएगी। तो देख सकते हैं आप किस तरह शार्क आकर यहाँ पर खा रही है, बैक टू बैक गोल्ड फिश भी आकर खा रही है। कि मैंने फ़िल्टर ऑफ किया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है साउंड डिस्टर्बेंस होता है वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने
ऑफ कर दिया। देखिए गोल्डफिश शार्क्स जो है आकर खा रही है, ऊपर जाकर इमिडिएटली खाकर वापस आ रही है। तो इस तरह आप शार्क्स को भी फिट करते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, भाई मेरे शार्क्स फिशेस जो है फूड नहीं खा रही है तो क्या करें। तो इस तरह का फूड आप लेकर दे सकते हैं, देख सकते हैं आप खुद ही वीडियो में फिशेस शार्क फिशेस किस तरह जाकर खा रही है। तो अगर आप भी अगर अपनी फिशेस को फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं या आपकी फिशेस फूड नहीं खा रही है तो ये फूड ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही है हेलो, बहुत बेस्ट है हेलो पेट्स कंपनी का फ्लैग फूड जिसे कहते हैं, जिस तरह का होता है फ्लैग फूड बहुत बेस्ट है। क्योंकि इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पाम्स और ब्राइन श्रिम्प्स और स्पिरुलिना और अर्थ फ्लैग ये चारों को मिलाकर इसके अंदर जो है को ये फार्मूला बनाया गया है जो बहुत बेस्ट है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, अर्थवाम फ्लैग भी है और ब्राइन श्रिम्स जो बहुत मोस्ट बेनिफिशियल और प्रोटीन फूड होते हैं, उन सबको मिलाकर इस फूड को बनाया गया है। तो आप भी फिट कीजिए, आप आराम से लेकर अगर आप फिशेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो फिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।